शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस आज का वीडियो में कुछ नया ताज़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हाँ, आप लोग भी शायद वेट कर रहे थे इस चीज़ का और मैं भी वेट कर रहा था कि कब नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो 15 दिसंबर को ये नया नोटिफिकेशन आया है सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैंने बताऊँगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं हमेशा के लिए सिक्किम टूरिस्ट लोगों के लिए मैं अपडेट लाते रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आप सिक्किम आ रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए आज का वीडियो है, पूरा अच्छा से वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा कि सिक्किम गवर्नमेंट का तरफ से क्या नोटिफिकेशन दिया है टूरिस्ट लोगों के लिए। और गाइस अगर आप नेपाल, भूटान या बांग्लादेश से हैं और आप इंडिया में 7 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं तो आपको सिक्किम में एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इंडिया में नहीं रह रहे तो आपको आरटीपीसीआर का रिपोर्ट करवाना है तो आपको एंट्री मिल जाएगा। और गाइस मेरा पिछले वाला बहुत सारे वीडियो में बहुत जो कमेंट आ रहा था, जो कॉमन था कमेंट में कि अगर 18 साल का कम उम्र का कोई जा रहा है सिक्किम में तो उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है। गाइस मैंने बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिक्किम में एंट्री मिल जाएगा, ओके। अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपको सिंगल वैक्सीन होना ज़रूरी है या आपको आरटीपीसीआर होना चाहिए। अगर आपको सिंगल वैक्सीनेशन नहीं है, ऐसे तो आपका पूरा इंडिया में फर्स्ट वैक्सीन क्या सेकेंड वैक्सीन भी कंप्लीट होने वाला है, फिर भी अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको आरटीपीसीआर करना है, ओके। और गाइस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि सिक्किम का जो बॉर्डर है वहाँ पे कुछ भी चेक हो नहीं रहा है अभी। आपको होटल में चेक करेगा या आप जो टूर बुक करोगे, जो टूर एजेंट से या कहीं से भी आप टूर तो बुक करोगे तो वहाँ पे आपको चेक कर सकता है। तो आपको वो पेपर रेडी करके सिक्किम एंट्री करना है। अगर आप सिक्किम आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फेस में मास्क नहीं रहेगा तो सिक्किम पुलिस आपको फाइन कर सकता है, इसीलिए अगर आप सिक्किम आ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि मास्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल में पिछले जो 2 वीडियो है उसमें आपको गैंगटॉक टूर का फुल डिटेल्स मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो। और एक पार्ट जो रह गया है मैं रिसेंट करने वाला हूं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, अपलोड कर दूंगा चैनल में। आप लोग बने रहिए चैनल में। और ओमिक्रॉन का क्या गाइडलाइन है वो भी मैं बता देता हूं। गाइस अभी तक कुछ भी गाइडलाइन नहीं आया है सिक्किम गवर्नमेंट का तरफ से, आपको मैं बता दूंगा जब आ जाएगा, तुरंत ही मैं बता दूंगा आप लोगों को। ऐसे ही मैं करंट अपडेट के साथ मेरा चैनल में वीडियो लाते रहता हूं। तो प्लीज़ गाइस बहुत रिक्वेस्ट करता हूं आपको, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो, आपको हेल्प होता है तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको ऐसे ही अपडेट हमेशा मैं वीडियो का एंड में शेयर कर दिया हूं। जो नोटिफिकेशन आया है आप लोग स्क्रीनशॉट करके अच्छा से पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन एक्चुअल में आया है। मेनली जो मैंने बात किया हूं, जो शेयर किया हूं वो सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए है, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए भी नोटिफिकेशन है, जैसे लेबर लोग है, जो दुकान पाट है वो सब, स्कूल कॉलेज ऑफिस कंपनी जितना भी है सिक्किम में सब कुछ का नोटिफिकेशन दिया है। ऐसे तो जो नोटिफिकेशन है वो 5 पेज का है तो सारा कुछ तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, बट मैंने वीडियो का एंड में दे दिया हूँ। मैंने सिर्फ टूरिस्ट लोगों के लिए क्या नोटिस है, क्या गाइडेंस दिया गया है वही मैं शेयर किया हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आपको पूरा नोटिस पता करना है तो वीडियो का एंड में आप जाइए और स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। और गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए ज़रूर। और चलते हैं, तब तक अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।